नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। काफ़ी लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि सहरी में क्या खा सकता है, क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट हो चुका है 2 दिन पहले। तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया है कि सहरी में क्या खा सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सहरी में आप क्या खा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे चीज़ है, ये सारे चीज़ जो है आप सहरी में खा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, आज ये मेरा नाश्ता है। इनफैक्ट जो मेरा नाश्ता है वही आप कर सकते हैं। कैसे खाना है, क्या क्या खा सकते हैं, आप धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक दिन में सारे चीज़ बताना संभव नहीं है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूंगा और आप क्या कर सकते हैं सहरी में, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये प्लेट देखेंगे तो ये चिकन विंग्स है। ये बेसिकली रात को बच गया था तो मैंने कहा कि इसको हम सहरी में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके भी कुछ खाना बच जाता है इफ्तारी में तो उसको आप सहरी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सारे चीज़ बनाना बहुत ही मुश्किल है। 3 बजे 4 बजे उठ के बनाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, ख़ास करके अगर आप वर्किंग है, आप जॉब करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि रात के जो इफ्तारी में जो भी चीज़ बच जाते हैं उसको फेंकिए मत, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे भी रात के जो डिनर था उसमें चिकन विंग्स था, कुछ बच गया था, तो इसको मैं आज ब्रेकफास्ट में करूँगा। आप इसको सहरी में ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 150-200 ग्राम के आसपास अंगूर लिया है। आप अंगूर ले सकते हैं, कोई और फल भी ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा और क्या फल ले सकते हैं। आज तो फ़िलहाल मैंने अंगूर लिया है। तो 150-200 ग्राम अंगूर आप ले सकते हैं, ये अंगूर है। मैंने 20 ग्राम बादाम लिया है, ये बादाम है 20 ग्राम, मेजर करके मैंने 20 ग्राम बादाम लिया है। तो इसको मैंने काउंट किया तो ये 18 बादाम है। 18 से 20 बादाम आप ले सकते हैं। अगर आपको मेजर नहीं करना है, आपके पास वेइंग मशीन नहीं है, तो आप 18 से 20 बादाम ले सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मिल्क शेक बनाया है। इनफैक्ट इसमें मैंने बादाम का मिल्क डाला है। आप बादाम का मिल्क डाल सकते हैं, कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं, सोय मिल्क डाल सकते हैं। कोशिश करिए कि जो एक्चुअल मिल्क है उसको मत डालिए, लेकिन अगर आपके पास बादाम का मिल्क नहीं है, कोकोनट मिल्क नहीं है, सोय मिल्क नहीं है, तो आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल मिल्क लेना है तो डबल टोन्ड या टोन्ड स्किम्ड मिल्क बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि उसमें फ़ैट नहीं होता है, उसमें प्रोटीन भी कम होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको लेना है फुल क्रीम मिल्क, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ैट खाना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा फैट खाएंगे आपके शुगर लेवल को भी कम रखेगा, और क्योंकि आप फास्ट कर रहे हैं अभी पूरा 14-15-16 घंटे का फास्टिंग करते हैं, तो 15-16 घंटे बिना खाए कैसे आप रह सकते हैं, उसके लिए आपको फैट होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने कैसे बनाया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने 1 केला मिलाया है और थोड़ा बहुत वे प्रोटीन मिलाया है और आलमंड मिल्क मिलाया है, दैट्स इट। और कुछ इसमें मैंने नहीं मिलाया, लेकिन आप इसमें एक सेब मिला सकते हैं, इसमें केला मत मिलाइए, क्योंकि अगर केला मिलाएंगे तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाए। आप सेब मिला लीजिए, वे प्रोटीन ले लीजिए 1 स्कूप, और साथ ही साथ आप इसमें कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क या फिर सोय मिल्क, जो भी मिल्क आपको पसंद है, उससे आप एक मिल्क शेक बना सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं मैंने 4 बॉयल अंडा करके लिया है, 4 बॉयल अंडा, और इसको मैंने थोड़ा सा घी में या बटर में आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने घी में फ्राई किया है, आप बटर में भी फ्राई कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी ये एक ब्रेकफास्ट है, और आप ये सारे चीज़ सहरी में ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये मील के बारे में समझा देता हूँ। ये एक आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम है इसमें, लो कार्बोहाइड्रेट या बैलेंस्ड मील भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी है। अगर आप अंगूर की बात करें इसमें भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसमें मैंने जो केला डाला है इसमें भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेब डालते हैं तो एक सेब में भी आपको 10 से 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी है। साथ ही साथ अंडे में आपको प्रोटीन और फैट मिल जाएंगे, ये चिकन जो है इसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, और आलमंड्स जो मैंने लिया है इसमें ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है। तो आप देखेंगे कि फ़ैट भी है, प्रोटीन भी है,
और कार्बोहाइड्रेट भी है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट दूसरे मील के मुकाबले काफ़ी कम है। और ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और साथ ही साथ इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बादाम आपको कुछ करना नहीं है, अंगूर आपको सिर्फ धो के रखना है, अंडा को सिर्फ बॉयल करना है, और ये मिल्क शेक जो है, मैंने बहुत सारे स्मूदीज़, मिल्क शेक, मिल्क स्मूदी बहुत सारे बनाए हैं अपने चैनल में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। तो ये एक बहुत ही हेल्दी सहरी है। जो भी मेरे भाई लोग रमज़ान मना रहे हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ये एक हेल्दी मील आप सहरी में ले सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना ये मील आपको कैसा लगा, आपने ट्राई किया नहीं किया, आपके शुगर लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप रमज़ान रखते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, क्योंकि अगर आप दवाई लेते हैं तो उसकी डोज एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डोज एडजस्ट नहीं करेंगे और ये मील रहेंगे और साथ ही साथ लंबा फास्ट रखेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह करके अपने डोज को पहले एडजस्ट करिए और फिर इस मील को लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप सहरी में क्या खा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इंजॉय करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और आप इंजॉय करिए अपना सहरी, और आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और बहुत लोग जो है वो नवरात्र भी मना रहे होंगे, अगर आप नवरात्र मना रहे हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो ये चिकन और अंडा को रिप्लेस कर दीजिए। आप इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं पनीर से, आप 100 से 150 ग्राम पनीर ले लीजिए, आप पनीर भुर्जी बना सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं, और इसको रिप्लेस करके आप पनीर ले सकते हैं, तो आपको प्रोटीन और फैट पनीर से भी मिल जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नवरात्र मना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे चीज़ आप ले सकते हैं सिवाय चिकन और अंडा, इसके जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए पनीर से, तो आप भी अपना फास्ट अच्छी तरह से मना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।